Hey guys, what's up? This is Jonathan, और आज मैं Immortal Phoenix Rising के फुल स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है जो 3 दिसंबर 2020 को रिलीज हुआ था। तो चलिए, मैंने किसी देर किए, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस गेम की कहानी ग्रीक माइथोलॉजी यानी ग्रीक के पौराणिक कथाओं पर आधारित है। पहले ब्रह्मांड में टाइटंस गॉड के रूप में राज करते थे, पर ओलिंपियन गॉड्स ज़ियूस के नेतृत्व में उनको हरा के ब्रह्मांड में अपना राज बना लिया और सारे टाइटंस को पृथ्वी के गहराई में मौजूद एक टार्टरस नाम का तहखाना जैसा जगह में रख दिया गया। यहां सारे बंधक टाइटंस को अनंत काल के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। इसको हम अपनी भाषा में नरक भी कह सकते हैं। इस घटना के कुछ समय बाद एक टाइफोन नाम का टाइटन अपने टाइटंस भाई बहनों को आजाद करने और ज़ियूस को मार के ब्रह्मांड का राज वापस लेने ज़ियूस के ऊपर हमला कर दिया, पर ज़ियूस टाइफोन को भी हरा के उसको एक पहाड़ी के गहराई में बंदी बना के रख दिया। हजारों साल तक वहां टाइफोन टॉर्चर सहन करता रहा, पर एक दिन पृथ्वी के ऊपर उल्कापिंड गिरने लग गया, जिसके वजह से जंजीरों में कैद टाइफोन आजाद होके एक विस्फोट से उस पहाड़ी के अंदर से वापस पृथ्वी के ऊपर आ गया। आजाद होने के बाद टाइफन ने कसम खाई कि वो सारे ओलिंपियन गॉड्स को मार देगा और ब्रह्मांड में फिर से टाइटंस का राज होगा। इस दौरान कुछ गॉड्स टाइफोन से डर के भाग गए। बचा कुछ ओलिंपियन गॉड्स जो टाइफोन को हराने की कोशिश की, सारे टाइफोन से हार गए। उनको हराने के बाद टाइफोन उनका शक्ति छीन के एक जगह में स्टोर करके रख दिया। साथ ही सारे डिफीटेड गॉड्स को अलग अलग चीजों में भी बदल दिया। सारे गॉड्स को मरते देख हीरोज ऑफ ओल्ड पृथ्वी को बचाने के लिए मजबूरन टाइफोन को रोकने की कोशिश की, पर उनको भी टाइफोन आसानी से हरा दिया। ये सब देख ज़ियूस, जो पहले जैसा फुर्तीला और ताकतवर नहीं था, टाइफोन के हाथों मरने के डर से भाग गया और प्रोमेथियस से आके मिला, इस आशा में कि शायद प्रोमेथियस ज़ियूस को टाइफोन को हराने में मदद कर पाए। प्रोमेथियस एक टाइटन गॉड था जो गॉड ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता था और वो ज़ियूस का चचेरा भाई भी था। प्रोमेथियस ज़ियूस के खिलाफ ओलिंपियन और टाइटंस के युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसलिए ज़ियूस ने उसे दूसरे टाइटंस की तरह टार्टरस यानी नरक में नहीं भेजा। उसके बाद प्रोमेथियस को इंसानों के प्रजाति को बनाने का जिम्मेदारी दिया गया था, जहां प्रोमेथियस इंसानों के शरीर को बनाता था और ज़ियूस की बेटी अथेना उनमें जान भर देती थी। उसके बाद इंसानों को पृथ्वी में दूसरे जीव जंतु से बड़ा बनाने के लिए प्रोमेथियस ने इंसानों को आंख की शक्ति देने का फैसला किया। प्रोमेथियस ओलिंपियन गॉड्स के मुकाबले उसके बनाया हुआ इंसानों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि ओलिंपियन गॉड्स ने ही उसके सारे टाइटंस भाई बहनों को टार्टरस नाम का नरक में अनंत काल तक टॉर्चर्ड होने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ ओलिंपियन गॉड्स का राजा ज़ियूस को इंसानों से उतना प्यार नहीं था, पर प्रोमेथियस ज़ियूस से छुपके इंसानों को आग की शक्ति दे दिया, जिसका इस्तेमाल करके इंसान दूसरे जीव जंतु के मुकाबले पृथ्वी में ज्यादा शक्तिशाली बन पाए। पर ज़ियूस को ये बात पता चलने के बाद ज़ियूस प्रोमेथियस को एक पहाड़ी के ऊपर जंजीरों में बांध के अनंत काल के लिए टॉर्चर्ड होने के लिए छोड़ दिया, जहां हर रोज ज़ियूस का ईगल आके प्रोमेथियस का जिगर खाएगा। पर इस बार मजबूरन कोई रास्ता ना होने के कारण टाइफोन को हराने के लिए ज़ियूस प्रोमेथियस का मदद लेने आ गया। प्रोमेथियस ज़ियूस को बताता है अब इंसान ही उनको टाइफोन से बचा सकता है। जवाब में ज़ियूस बताता है, तुम्हारे बनाया गया इंसान कोई काम का नहीं है और अब वो सारे पत्थर में बदल गए हैं। प्रोमेथियस ज़ियूस के साथ एक सौदा करता है कि अगर टाइफोन कोई इंसान के हाथों हार जाएगा तो ज़ियूस को प्रोमेथियस को आजाद करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रोमेथियस टाइफोन से लड़ने में ज़ियूस की मदद करेगा। ज़ियूस मान जाते हैं और प्रोमेथियस तब एक फिनिक्स नाम के इंसान की कहानी ज़ियूस को बोलना शुरू करता है। फिनिक्स अपने साथियों के साथ एक बैटल को जीतने के बाद जहाज में लौट रही थी, पर एक आंधी के वजह से उनका जहाज टूट गया और फिनिक्स के साथ उस जहाज में मौजूद बचे कुछ सर्वाइवर्स समुन्द्र के किनारे गोल्डन आयल नाम के एक आइलैंड में आ गए। फिनिक्स डेलियन लीग का एक लो रैंक शील्ड बियरर है जो युद्ध के दौरान सोल्जर्स को लड़ने में मदद करते हैं। फिनिक्स हमेशा उसका भाई लिगिरोन के जैसे एक योद्धा बनने का सपना देखती थी, पर उसको किसी भी युद्ध में
सोल्जर के रूप में हिस्सा लेने नहीं दिया गया। होश आने के बाद फिनिक्स उस आइलैंड में उसके साथियों को ढूंढते हुए देखती है, वे सारे पत्थर बन चुके हैं। इस दौरान उसको उसका भाई लिगिरोन का तलवार भी मिलता है, जिसको देख फिनिक्स सोचती है उसका भाई भी पत्थर बन चुका है। मायूस होकर फिनिक्स उसके भाई के तलवार को हाथ में लेके कसम खाती है वो उसके भाई और उसके साथियों को इस श्राप से आजाद करेगी। इस दौरान फिनिक्स को एक रहस्यमय ओपनिंग दिखता है, जिसके अंदर घुसते ही फिनिक्स सीधे टार्टरस यानी नरक में घुस जाती है। वहां से फिनिक्स हारे हुए ग्रीक हीरोज के टाइफोन के द्वारा स्टोर किया गया विंग्स, वेपन और अंत में ज्यूस का लाइटनिंग बोल्ट लेके वापस ऊपर आ जाती है। इन सब चीजों को लेके फिनिक्स काफी शक्तिशाली बन गई थी। आगे बढ़ते हुए रास्ते में फिनिक्स का सामना टाइफोन के भेजा हुआ कुछ मॉन्स्टर से भी होता है, जिनको मार के फिनिक्स बाकी हीरोज के आर्मर्स भी हासिल कर लेती है। उसके बाद फिनिक्स कुछ मॉन्स्टर के हाथों से एक रहस्यमय व्यक्ति को बचाती है। उस जगह में मौजूद एक टेंपल में फिनिक्स एक भविष्यवाणी देखने वाला ओरेकल से मिलता है, जो भविष्यवाणी करता है एक इंसान ही पृथ्वी को टाइफन के हाथों से बचा पाएगा। उसके बाद वो रहस्यमय व्यक्ति फिनिक्स से मिलके ये रिवील करता है वो ज्यूस का बेटा ओलंपियन गॉड हर्मिस है। हर्मिस पहले फिनिक्स को एक साधारण इंसान मान के अवॉइड कर रहा था, पर उस ओरेकल के भविष्यवाणी से हर्मिस को समझ में आ गया फिनिक्स से उनको टाइफन के हाथ से बचा सकती है। हर्मिस फिनिक्स को टाइफन का हिस्ट्री बताते हुए बोलता है, टाइफन टार्टरस और पृथ्वी को एक साथ मिला के उसके मुताबिक एक नया वर्ल्ड बनाना चाहता है। इसलिए फिनिक्स को पहले टाइफन के द्वारा कैप्चर्ड किया गया सारे ओलंपियन गॉड्स और उनके पावर्स को आजाद करना पड़ेगा, ताकि वे टाइफन से लड़ने में फिनिक्स की मदद कर पाए। उसके बाद फिनिक्स इंसानियत को बचाने के लिए और टाइफन को हराने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में फिनिक्स एक जादुई पक्षी को बचाती है और उसका नाम फॉस्फोर रखती है। ठीक होने के बाद फॉस्फोर फिनिक्स के साथ ही रहने लगती है और फिनिक्स को उसके जर्नी में भी हेल्प करती है। उसके बाद फिनिक्स पहला ओलंपियन गॉड एफ्रोडाइटी से मिलती है, जिसका शक्ति छीन के टाइफन ने उसको एक सेब का पेड़ बना दिया है। एफ्रोडाइटी सेक्सुअल लव और ब्यूटी की गॉडेस है। वो ज्यूस का बेटा हेफेस्टस का बीवी भी है, पर एफ्रोडाइटी हेफेस्टस से प्यार नहीं करती थी। ज्यूस के कहने पे उसको जबरदस्ती उससे शादी करना पड़ा। फिनिक्स किसी तरह एफ्रोडाइटी की शक्ति को टाइफन के कब्जे से निकाल के एफ्रोडाइटी को फिर से उसके पुराने फॉर्म में आने में मदद करती है। उसके बाद फिनिक्स ज्यूस का बेटा गॉड ऑफ वॉर एरिस से मिलती है, जिसको टाइफन एक मुर्गे में बदल दिया है। फिनिक्स उसका भी शक्ति ढूंढते हुए देखती है, एरिस का शक्ति एक चोर लेके भाग रहा है। उसका पीछा करते हुए उसको पकड़ने के बाद फिनिक्स देखती है वो चोर उसका भाई लिगिरोन है। फिनिक्स अपने भाई लिगिरोन को देख चौंक जाती है। लिगिरोन बताता है वो भी किसी तरह पत्थर बनने से बच गया था और अभी वो उस ओरेकल के भविष्यवाणी के मुताबिक टाइफोन को हराने के लिए इस आइलैंड से जितना हो सके पावरफुल चीजों को इकट्ठा करने में लग गया है। उसके भाई को देख फिनिक्स सोच में पड़ जाती है कि जिस हीरो के बारे में उस भविष्यवाणी में जिक्र किया गया था, कहीं वो उसका भाई तो नहीं है, क्योंकि उसके भाई एक सही मायने में ग्रीक वॉरियर है जो बहुत सारा जंग भी जीत चुका है। लिगिरोन कंफर्म करता है वही वो योद्धा है जो टाइफन को हराएगा और फिनिक्स को एरिस के शक्ति वापस करके वो वहां से चला जाता है। एरिस के शक्ति के मदद से फिनिक्स फिर से एरिस को भी उसके असली फॉर्म में लाती है। उसके बाद फिनिक्स ज्यूस का बेटा हेफेस्टस को भी ढूंढ लेती है, जिसको टाइफन एक ऑटोमेटन्स में बदल दिया था, पर फिनिक्स हेफेस्टस की यादें और शक्तियों को उसको वापस करती है। हेफेस्टस गॉड ऑफ फोर्ज है, जो सारे ओलंपियन गॉड्स के वेपन्स को बनाता है और एफ्रोडाइटी का पति भी है। उसके बाद फिनिक्स ज्यूस की बेटी और गॉडेस ऑफ विजडम अथेना से आके मिलती है। टाइफोन अथेना की शक्तियों को छीन के उसको एक छोटी बच्ची में बदल दिया था। अथेना फिनिक्स को बोलती है उसे एक ओरेकल के भविष्यवाणी से पता चला है, एक मॉर्टल योद्धा स्टाफ ऑफ टाइम के जरिए टाइफोन को हरा सकता है और समय को रिवर्स करके सारे इंसानों को भी पत्थर से वापस इंसान बना सकता है। फिनिक्स अथेना के कहने के मुताबिक एक ट्रू हीरो बनने के लिए हीरोज के बारे में और भी जानने के लिए टूम ऑफ द हीरोज में चली आती है, जहां वो देखती है सारे मॉर्टल वॉरियर्स अकिलीस, अटलांटा, हेरक्लीस और ओडिसियस के आत्माओं को टाइफन कैद करके रख दिया है। फिनिक्स उन सबको फ्री करती है और फिनिक्स खुद भी एक मॉर्टल वॉरियर यानी एक ट्रू हीरो में बदल जाती है। उसके बाद फिनिक्स वही ओरेकल से आके मिलती है, जिसने शुरुआत में फिनिक्स के बारे में एक भविष्यवाणी किया था।
प्रीस्ट ऑफ अपोलो उसको बताता है एक छोटी बच्ची यानी अथेना उसके पास आके भविष्यवाणी करने के लिए तंग कर रही थी और उसका पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक झूठा मेडअप भविष्यवाणी कर दिया था स्टाफ ऑफ टाइम और ट्रू हीरो के बारे में। पर वो ओरेकल फिनिक्स को ये कंफर्म करता है फिनिक्स को शुरुआत में जो भविष्यवाणी किया गया था वो असली था। स्टाफ ऑफ टाइम के भविष्यवाणी का असलियत जानने के बाद फिनिक्स अथेना से आके मिलती है जहां अथेना कुछ सुने बिना ही फिनिक्स को हीरोज ऑफ ओल्ड की तरह मार के एक स्पिरिट में कॉन्वर्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि उस झूठा भविष्यवाणी के मुताबिक एक नए हीरो का स्पिरिट ही स्टाफ ऑफ टाइम को ढूंढ सकता है। फिनिक्स किसी तरह एथेना को समझाती है वो भविष्यवाणी झूठा था और स्टाफ ऑफ टाइम नाम का कोई चीज ही मौजूद नहीं है। और बाद में फिनिक्स एथेना का शक्ति को टाइफोन के कब्जे से निकाल के एथेना को भी वापस उसके रियल फॉर्म में लाती है। सारे ओलंपियन गॉड्स अपने ट्रू फॉर्म्स में आने के बाद फिनिक्स के मौजूदगी में टाइफोन को हराने का प्लान्स बनाने की कोशिश करता है पर उल्टा सारे गॉड्स आपसी सहमति से कोई प्लान बनाने के बजाय एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू कर देता है। उसी वक्त फिनिक्स का भाई लिगिरोन वहां आ जाता है। लिगिरोन सबको बताता है वो हेफेस्टोस का बनाया हुआ एक शक्तिशाली जादुई जंजीर को टाइफन के कब्जे से चुराएगा और उस जंजीर को सारे ओलंपियन गॉड्स के रक्त से और भी शक्तिशाली बनाएगा ताकि उस जंजीर के मदद से वे वापस टाइफोन को कैद कर पाए। सारे गॉड्स लिगिरोन के प्लान के मुताबिक टाइफोन को हराने का फैसला करते हैं और लिगिरोन हर एक गॉड से उनका रक्त ले लेता है। पर लिगिरोन उसके बहन फिनिक्स को मुसीबतों से बचाने के लिए उसका साथ देने से मना कर देता है और अकेले ही इस काम को अंजाम देने के लिए निकल जाता है। लिगिरोन के जाने के बाद सारे ओलंपियन गॉड्स फिनिक्स को उसके भाई के साथ जाने का सुझाव देता है ताकि इतिहास में टाइफोन को हराने में लिगिरोन के साथ फिनिक्स का भी नाम आ सके और फिनिक्स वो चैंपियन बन जाए जिसका वो हमेशा से सपना देखती थी। फिनिक्स उसके भाई के पीछे जाते हुए देखती है लिगिरोन टाइफन के लिए काम करता है और वो ओलंपियन गॉड्स के रक्त के साथ साथ बाकी सारे आर्टिफैक्ट्स को इकट्ठा कर रहा था एक जहर बनाने के लिए जिससे टाइफोन्स और वो मिलके सारे ओलंपियन गॉड्स को मार सके। बदले में टाइफोन लिगिरोन को उसका बनाया हुआ नए दुनिया में गोल्डन आयल का राजा और एक गॉड बना देगा। ये देख फिनिक्स गुस्से में उसका अपना भाई लिगिरोन का सामना करता है और अंत में फिनिक्स लिगिरोन को हराने में कामयाब हो जाती है। इस दौरान फिनिक्स को लिगिरोन से पता चलता है लिगिरोन कोई बड़ा योद्धा ही नहीं है और वो सारे झूठा कहानी बना के फिनिक्स के साथ सबको ये विश्वास दिला दिया था वो एक बहुत बड़ा योद्धा है। पर अब लिगिरोन टाइफोन के मदद करके एक सच्चा योद्धा और गॉड बन सकता है। लिगिरोन उसके मिशन को अंजाम देने के लिए एक पोर्टल के जरिए वापस टाइफोन के पास टार्टरस में भाग जाता है और फिनिक्स भी उसका पीछा करते हुए उसी पोर्टल से टार्टरस में आ जाती है। टाइफोन फिनिक्स को उसके भाई लिगिरोन का असलियत उसके सामने लाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और फिनिक्स को बोलता है वो लिगिरोन के बजाय उसके नए दुनिया में फिनिक्स को उसका चैंपियन बनाना चाहता है। पर फिनिक्स टाइफोन के प्रस्ताव को ठुकराते हुए उसका सामना करती है। टाइफोन को हराने के बाद टाइफोन फिनिक्स को बताता है फिनिक्स भी एक ओलंपियन गॉड की बेटी है। दूसरी तरफ ज्यूस ये सब सुनते हुए समझ जाता है प्रोमेथियस उससे कुछ छुपा रहा है। तब प्रोमेथियस ज्यूस को रिवील करता है उसने ही ज्यूस से बदला लेने के लिए उसका टाइटन भाई एटलस की मदद से टाइफोन को आजाद किया है और फिनिक्स असल में ज्यूस की ही बेटी है और प्रोमेथियस का भाई एटलस ने ही एक आंधी के जरिए फिनिक्स के जहाज को डुबो के उसको गोल्डन आइल में आने को मजबूर किया है ताकि फिनिक्स यहाँ आके उसके असलियत के बारे में जान पाए। और टाइफोन को हराने के बाद अब फिनिक्स को ये भी पता चल गया है कि इंसानों को पत्थर टाइफोन ने नहीं बल्कि उसका पिता ज्यूस ने बनाया था। इस समय फिनिक्स टाइफोन को हरा के गुस्से में वो जहर का पोषण लेके सीधे ज्यूस से मिलने आ जाती है। ज्यूस फिनिक्स को देख सोचने लगता है उसका बेटी उसे मारने आई है और ज्यूस तब ये भी रियलाइज करता है उसके जिंदगी में उसके सारे बच्चे उसे किसी ना किसी वजह से नफरत करते हैं। उसके वाइफ्स भी उसको नापसंद करते हैं। ज्यूस मायूस होकर बताता है वो कभी भी एक अच्छा पिता पति और गॉड नहीं बन पाया और फिनिक्स को उसको मारने देता है। फिनिक्स ज्यूस से पूछती है तुमने इंसानों को पत्थर क्यों बना दिया था। जवाब में ज्यूस बताता है इंसानों के प्रजाति दिन ब दिन स्वार्थी और निर्दयी बनते जा रहे थे इसलिए ज्यूस को लगा इंसानों को बनाना एक गलती था इसलिए उसने उनको पत्थर बना दिया था।
पर अब ज्यूस को समझ में आ गया है उसने गलती किया है, क्योंकि इंसानों के साथ साथ गॉड्स में भी इम्परफेक्शन है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जवाब में फिनिक्स ज्यूस को बताती है वो उसे मानने नहीं आई थी, पर अब से ज्यूस को अपने गलतियों को सुधार के एक अच्छा पिता और एक अच्छा गॉड बनना पड़ेगा। उसी समय वहां टाइफोन आ जाता है और फिनिक्स से उस जहर के पोषण को छीन के उसको निगल जाता है, जिससे उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यूस को अपने साथ लेके टाइफोन सीधे टार्टरस में पहुंच जाता है। फिनिक्स उसका पीछा करते हुए आके देखती है लिगिरॉन और ज्यूस उसके कैद में है। गुस्से में फिनिक्स फिर से टाइफोन का सामना करती है, पर इस बार फिनिक्स टाइफोन के शक्ति के सामने कमजोर पड़ रही थी, इसलिए ज्यूस टाइफोन के कैद से निकल के सारे ओलंपियन गॉड्स को लेके वापस टार्टरस के अंदर आ जाता है, ताकि वे टाइफोन को हराने में फिनिक्स की मदद कर सके। अंत में टाइफोन को हराने के बाद सारे गॉड्स टार्टरस से बाहर निकल के उस जगह को वापस बंद कर देते हैं। उसके बाद ज्यूस सारे इंसानों को पत्थर से नॉर्मल बना देता है और फिनिक्स का चहिता पालतू पक्षी फॉस्फो, जो टाइफोन से लड़ते हुए मर गई थी, उसको भी वापस ज्यूस एक नए प्रजाति के रूप में जिंदा कर देता है। ज्यूस फिनिक्स को बताता है अब से इन पक्षियों के प्रजाति का नाम फिनिक्स होगा, जो मरने के बाद अपने आप आग में जल जाएगा और फिर उसी आग से वापस जन्म लेगा। उसके बाद फिनिक्स ज्यूस के कहने पे बाकी ओलंपियन गॉड्स के साथ गोल्डन आइल आइलैंड में रहने का फैसला करती है, जहां फिनिक्स दूसरे गॉड्स के साथ मिलके इंसानियत को और भी बेहतर बनाएगी और अपने पिता ज्यूस के करतूतों पे नजर भी रख पाएगी। दूसरी तरफ फिनिक्स का भाई लिगिरॉन ज्यूस के कहने के मुताबिक पहाड़ी के ऊपर प्रोमेथियस को आजाद करने आ जाता है, पर प्रोमेथियस ने जैसे ज्यूस को फिनिक्स का कहानी बता के बहुत समय तक उसे चालाकी से उसके पास रोक के रखा था, उसका बदला लेने ज्यूस के कहने पे लिगिरॉन भी प्रोमेथियस को आजाद करने से पहले उसको एक लंबा कहानी सुनाने वाला है। ये देख गुस्से में बेताब और परेशान होके प्रोमेथियस चीखने लगता है और यहाँ पे इमॉर्टल फिनिक्स की कहानी खत्म हो जाती है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।